दोस्तों, चांद पर इंसानों को बसाने के लिए वैज्ञानिक काफ़ी समय से खोज करते आ रहे हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने चांद पर समय समय पर यान भी भेजे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे उगाने में कामयाबी हासिल की है। यह मिट्टी कुछ ही वक्त पहले नासा के अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर लौटे थे। रिसर्चर ने पौधे उगाने के लिए 4 प्लेट्स का इस्तेमाल किया। इनमें पानी के साथ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलाए गए जो चांद की मिट्टी में नहीं मिल पाते। इसके बाद इस सॉल्यूशन में ऑर्बिडोसिस पौधे के बीज डाले गए। कुछ ही दिनों में इन बीजों ने छोटे से पौधे का रूप ले लिया। नासा के अपोलो मिशन के 6 अंतरिक्ष यात्री अपने साथ 382 किलोग्राम पत्थर चांद से लेकर लौटे थे। इन पत्थरों को वैज्ञानिकों में बांट दिया गया था। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट फेरी के मुताबिक 11 साल में 3 बार एप्लीकेशंस देने के बाद उन्हें नासा से 12 ग्राम मिट्टी मिली। इतनी सी मिट्टी में काम करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उन्हें पौधे उगाने में कामयाबी हासिल हुई है। यह मिट्टी अपोलो 11, 12 और 17 मिशन के दौरान इकट्ठी की गई थी। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।